महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में इमारत ढहने से 15 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 7 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। मलबे से कमोबेश सभी लोगों को निकाला जा चुका है, बस एक शख्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। औद्योगिक कारखानों से घिरे शहर महाड़ की इस 5 मंजिला इमारत में कुल 47 मकान थे और तकरीबन 150 लोग रह रहे थे। भारी बारिश के बाद रविवार की शाम ये इमारत हिलने के बाद ढह गई और तभी से राहत और बचाव का अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने 19 घंटे के बाद 4 साल के एक बच्चे को बचा लिया है जो अपनी मृत मां की गोद से चिपका हुआ था। बच्चे की पहचान मोहम्मद बांगी के रूप में हुई है और उसे मामूली चोटें आई हैं। एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के कमांडेंट आलोक कुमार ने बताया, जब उन्हें बच्चा मिला तो अपनी मां के पेट पर बैठा हुआ था जिसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे सीने में छिपा लिया था और बिल्डिंग ढहते वक्त दोनों सीढ़ियों के पास फंस गए। महाराष्ट्र सरकार में राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं उनकी मदद के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में इमारत गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले 18 अगस्त को मुंबई के बांद्रा में रिजवी कॉलेज के पास एक खाली इमारत का एक हिस्सा ढह गया था जिसमें 41 साल के एक शख्स की मौत हुई थी। इसी तरह मंगलवार तड़के नागपुर में एक मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।